चलिए आगे बढ़ते बात करेंगे मध्य प्रदेश के सियासत की, जहां ओवैसी के बाद अब केजरीवाल की भी एंट्री हो चुकी है। 2 जुलाई को सिंगरौली में चुनाव प्रचार करेंगे केजरीवाल और महापौर पद के उम्मीदवारों के लिए वोट करने की अपील करेंगे। सिंगरौली में आपका जनाधार बढ़ रहा है, इस बात का जिक्र भी उन्होंने किया है। रानी अग्रवाल है सिंगरौली से महापौर पद के लिए उम्मीदवार और उनके समर्थन में अरविंद केजरीवाल जनसभा करते हुए नजर आने वाले हैं। बता दें कि मध्य प्रदेश की सियासत में ओवैसी के बाद अब केजरीवाल की एंट्री हो चुकी है। चलिए ज्यादा जानकारी इस पर हम लेंगे सहयोगी सूरज शर्मा राजधानी भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सूरज, सुबह ही हम चर्चा कर रहे थे ओवैसी की एंट्री के बारे में और अब केजरीवाल भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं मध्य प्रदेश में। 2 जुलाई को उनकी भी रैली, क्या कुछ देखने को मिलेगा? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में सरकार बनाई, पंजाब में सरकार बनाई और अब नगरीय निकाय चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रही है। खासतौर से सिंगरौली की बात करें तो सिंगरौली के जो प्रत्याशी हैं, महापौर प्रत्याशी रानी अग्रवाल, पिछले विधानसभा 2018 चुनाव में 3रे नंबर पर थी। ऐसे में कहीं ना कहीं पार्टी को वहाँ पर अपना संगठन मजबूत नजर आ रहा है। शायद यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री दिल्ली अब 2 जुलाई को सिंगरौली में रोड शो कर रहे हैं, सभा करने जा रहे हैं। नगरीय निकाय के माध्यम से कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश में अपना संगठन बढ़ा रही है, विस्तार करने की कोशिश कर रही है। यही वजह है कि निकाय चुनाव में 16 ही स्थानों पर उन्होंने अपने महापौर प्रत्याशी खड़े किए थे, लेकिन किसी कारणवश भोपाल से विड्रॉ हुआ, जबलपुर से नामांकन रद्द हुआ। ऐसे में 14 स्थानों पर अभी वर्तमान में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं। इनके प्रचार प्रसार को लेकर जी आम आदमी पार्टी के वो मोर्चे निश्चित है, यानी कि चुनाव प्रचार में एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल मध्य प्रदेश में किस्मत आजमाएंगे। शुक्रिया आपका सूरज इस पूरी जानकारी के लिए।